कोलकाता औरंगाबाद में फ्रेंडशिप हॉटलाइन चलाने वालों का रैकेट पकड़ा जा चुका है। इस ऑफिस में काम करने वाली कुछ लड़कियां ग्राहकों के साथ अश्लील बातें करके उन्हें फोन में उलझाए रखने का काम करती थी और इस रैकेट के लिए काम करने वाली कुछ लड़कियां पकड़ी जा चुकी है और बाकी लड़कियों की तलाश जारी है। परमेश्वरा, ये क्या हो क्या गया आजकल की लड़कियों को? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से घर की लड़कियां ऐसा काम करती है। ए भगवान, हाँ ये बात भी सही है कि हमारे घर जैसे संस्कार हर घर की लड़कियों को नहीं मिलते हैं। अच्छा तुम ये खाना खा लो, आज दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था तुमने, लो। पुलिस मुझे ढूंढते हुए घर आ गई तो गोदावरी देशमुख, मैं इंस्पेक्टर नायक बोल रहा हूँ। मुझे माफ कर देना कल्याणी ताई, आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि उस ऑफिस में ऐसे काम होते हैं। मैं एक दिन काम पर गई थी, उसके बाद मैंने उस ऑफिस का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के वजह से वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इससे पहले कि मेरी वजह से परिवार का नाम बदनाम हो, अपनी जान दे रही हूँ। हुआ? अरे चलो चलो, भूल गए क्या कि एक हाथ से बैटिंग करके मुझे हराने वाले हो ना? अरे बॉस, क्रिकेट खेलना से है, तू चढ़, एक ही हाथ से छक्का लगाऊंगा, जा। कौन किध गया? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मीना कुमारी भाई, काका का फोन रखा से यहाँ पे, लेकिन पता ना कित गया फोन। सार्थक का फोन यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो मेरे पास है। मैंने खुद अपनी आंखों से फोन देखा से यहाँ पे। लगता है शेरा, रात को तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं ना? हो सकते हैं। चलो ना हीरो शेरा, मैंने स्टंप भी लगा दिया है। अरे आ रहा हूँ, मोस्क बुला रहा है मैंने। बड़ा मोस्क, पहली बॉल पे छक्का, वो भी एक हाथ से। आजा देख। आजा
लग रहा है जूता उस आदमी का है जिसने हरे पे हमला किया से। हरे? ये जूता कहाँ से मिला तुम्हें? ये तो सार्थक का जूता है, कल रात से ढूंढ रही हूँ मैं। क्या करने लग रहे हो मैडम जी? आपको कंफर्म से कि जूता काका का है तो इसका मतलब तो जय हुआ ना जी, जिस आदमी ने हमारे पे हमला किया है वो काका से। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? जो आदमी चल फिर नहीं सकता, अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता, वो तुम पर हमला करेगा? अरे चेहरा, मैं तो बस हमसकल हूँ जी। किसने कहा? मेरा मतलब है हाँ तुम दिखते हो मल्हार जैसे, लेकिन तुम्हारा भी तो अस्तित्व है और अब तो तुम भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। सच? हीरो शेरा, अर्जुन ने मुझे अपने हैप्पी बर्थडे के लिए बुलाया है। अर्जुन जो हमारे साथ क्रिकेट खेल रहा है, बर्थडे है, जाना चाहिए था ने। अब अरे तो हाथ ठीक ना है ना, वरना मैं भी चलता। क्यों ना तू अपनी आई फाइनल ले जा, आपने जाना चाहिए जी, अब मौसी के साथ अच्छा लगेगा। हाँ आप क्या हाँ बोल रहे हो, मन ने तो ला गया आपने भी साथ जाना चाहिए, कभी घर से बाहर ही ना निकले हो आप। मैं? हाय, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। इनफैक्ट मुझसे पिल्लू कह रहा था कि मीना कुमारी आई तो कभी हमारे साथ कहीं चलती ही नहीं है, कभी हमारे साथ टाइम स्पेंड करती ही नहीं है, तो तुम भी चलो हमारे साथ। सार्थक को छोड़ के मैं नहीं आ सकती। अरे जब शाम को तुम इन्हें खाना वाना खिला दोगी, दवाई दे दोगी ना, और जब वो सो जाएंगे उसके बाद जाएंगे हम, एक ही दिन की तो बात है आई, कोई दिक्कत ना होगी जी, चले। हाँ और आओ साहब और गोदा भी तो है ना, उन्हें भी साथ ले जाएंगे। हीरो शेरा, तुम घर पे अकेले रहोगे और अगर वो गंदे वाले अंकल तुमको मारने आ गए तो? गंदे वाले अंकल को सीधे याद कर देके उनको अच्छा वाला अंकल बना दूंगा। वैसे मैं रुक सकती हूँ इधर। आपने मोस के साथ जाना चाहिए, मारी टेंशन ना लो, कुछ ना होगा। मैंने ठीक है, वैसे मैंने पवार काका से बात तो कर ली है, वो सिक्योरिटी के लिए दो हवलदार बाहर रखने वाले हैं। बस तुम ना प्लीज अवनी से दूर रहना और उससे थोड़ा बच के रहना, पता है ना वो कैसी है। कल्याण जी आप भी ना, अपनी चाची क्या कर लेगी मेरा, और हमारे को सिक्योरिटी की जरूरत ना है, कोई टेंशन ना है, कुछ ना होगा जी, आप जाओ हैं, आप भी जाओ। क्या कहा था हमने? गोदावरी से दूर रहना। हमारे परिवार से बदला लेने के लिए तुम इतना घिनौना रास्ता चुन सकती हो? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अपनी बातों में बहला फुसला कर तुमने हमें भी अपने साथ करा दिया। आओ साहब, आप कोई दूध पीती बच्ची है क्या जिसे मैंने बहलाया फुसलाया अपनी साइड कर लिया? आपका कोई ना कोई वो मकसद था ना जो आप मेरी साइड ले रही थी। और एक मिनट, आप भी किसी की सगी नहीं है। एक बात याद रखो, गोदावरी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, कह देते हैं। गोदावरी, आज हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद इस अवनी से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमेशा। सिर्फ मेरी ही क्यों, कल्याणी ताई और माई की भी कीजिए। इतने दिनों से आप उन दोनों के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आपका भला सोचना बंद नहीं किया, और ये जानते हुए भी कि कल्याणी ताई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, फिर भी आप उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर सकती। उस सबके खेलने लग रहे होंगे और मारे पेट में चूहे कूद रहे से, उसका क्या करूं? कच्ची सब्जियां ढकोस लोगे कौन है भाई?
बप्पा जी, हम ही डरा दिया तन्ने मारे को। मने लग रहा है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ से घन भर। तो गड़बड़ चल रहा है इस घर में। मुझे तो लागे है हमारा कोई पीछा कर रहा है। टॉमी या तो बत्ती भी बुलो ली। अरे टॉमी, काका तो सो रहे इधर। हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम दोनों अलग हो गए। हाँ अनुप्रिया, यही सच है, हमारी वजह से तुम्हारे बीच में दरार पड़ गई। हमने इसके खिलाफ तुम्हें भड़काया और ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम अपने पोते नल की मौत का बदला लेना चाहते थे। और बदला सिर्फ मल्हार से ही नहीं, बदला हम पूरे राणे परिवार से लेना चाहते थे। और उस बदले की आग में हमें हमें समझ ही नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत है। हमने तुम दोनों को मोहरा बनाकर सिर्फ इस्तेमाल किया। और आज अगर तुम दोनों का बच्चा तुम्हारे पास नहीं है तो वो सिर्फ हमारी वजह से। अनुप्रिया, हमें माफ कर दो। वाह सर, वाह, आपके लिए तो तालियां बनती हैं। फाइन, आपको एक नया ट्विस्ट लाना है और ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना है। फाइन विद मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ये औरत जो आपके सामने खड़ी है वो दूध पीती बच्ची नहीं है। कल्याणी की वजह से इसने हमारी औलाद को मार दिया। इन्होंने मेरे बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को मार दिया। 8 महीने की प्रेगनेंसी में कल्याणी ने ऐसा क्या जादू कर रखा था जो उसे ढूंढने बाहर निकल जाती थी। इसके बाद भी अगर आपको इनकी तरफदारी करनी है तो मैं क्या ही कहूं। खान साहब, अगली बार अपनी हदें ना पार करने की सोचेगा मत, वरना अपने बेटे से आप कभी नहीं मिल पाएंगे। ये लो और इसे पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर दो। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा विवेक कभी जेल से रिहा हो। उसने स्वरा के साथ जो अन्याय किया है ना, उसे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। हमें माफ कर दो कल्याणी, हमें मालूम है कि तुम हमें माफ करोगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करके हमने पाप तो किया है, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया है विवेक का साथ देकर। स्वरा पर जुल्म हमने भी किए थे, लेकिन जो घिनौनी हरकत विवेक ने स्वरा के साथ की है ना, उसके लिए विवेक को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इन सारी बातों का एहसास हमें तब हुआ जब सारी चीजें हमारी गोदावरी के साथ होने लगी। जब हमारे अपने पे जुल्म होता है ना, तब जाकर हमें अपने किए हुए जुल्मों का एहसास होता है। कल्याणी, तुम हमें हमारे बेटे के साथ गिरफ्तार करो, हमें सजा दो। हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना,
हम अनुप्रिया के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहते। और आज के बाद अनुप्रिया की ये माँ हमेशा हर क्षण अनुप्रिया का साथ देगी। और सार्थक, जिसकी कल्याणी जैसी बेटी हो ना, उसे किसी आधार की जरूरत नहीं है। आज कल्याणी और अनुप्रिया दोनों जो भी सजा सुनाएंगे ना, हमें मंजूर है। जो इंसान अपनी गलती समझ लेता है, उस गलती से सीख ले, तो हम कौन होते हैं आपको सजा देने वाले। और राव साहब, आपने जो कुछ भी किया वो अपने पोते के लिए किया, अपने बेटे के प्यार में किया। लेकिन आज जो आप कर रही हैं ना राव साहब, सच्चाई के लिए कर रही हैं, तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तालियां बजती रहनी चाहिए, सही कहा था मैंने, क्योंकि ट्विस्ट और टर्न कभी नहीं रुकते इस घर में। ओ कक्का, कल्याण जी को बीच में ना टोकियो, भूल गए हो तो याद दिला दूं, सिरा कल्याण जी के साथ खड़ा से। ए, चुप। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मजे की बात। जानते हो सीढ़ी में और अनुप्रिया में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों बेजुबान है। और ये दोनों ही क्या, यहां रखिए टेबल, ये चेयर, ये फर्नीचर, ये सब बेजुबान है जैसे औरत है। इनसे अच्छा तो मैं इन सब चीजों से शादी कर लेता। औकात क्या है इनकी, ससुराने की बीवी होने की? कुछ जैसा पढ़ा लिखा लॉयर इनके साथ रहेगा, स्टैंडर्ड नहीं है तुम्हारा, इसके साथ खड़े भी हो सको। आपके बेटे विवेक की ऐसी हरकत से पता है हमें कितना नुकसान हुआ है? बिजनेस तो बर्बाद हुआ, ऊपर से हमारे सारे पैसे डूब गए ना। अब किस बात के पैसे दें हम आपको, कैसे माल सप्लाई करें आपको? देखिए, हमारे बेटे विवेक ने जो गलती की उसकी सजा आप हमें मत दीजिए, हम उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी का क्या करें, पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते ना, जो तोड़ के आपको दे देंगे। आपने पैसे डुबाए तो भरपाई हम क्यों करेंगे? एक मिनट, बहुत सुनाया आपने, अब हमें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। पहली बात, जिस कंपनी ने इतने सालों तक आपको मुनाफा कमा के दिया, आज एक गलती की वजह से आप कंपनी के मालकिन से इस तरह से बात करेंगे? हाँ? दूसरी बात, विवेक इस कंपनी के मालिक नहीं है, राव साहब इस कंपनी की मालकिन थी, मालकिन है और हमेशा मालकिन रहेगी। और तीसरी और आखिरी बात, अगर आप हमारी कंपनी में दोबारा पैसा नहीं लगाना चाहते तो ये आपका घाटा है। हम तो दूसरे सप्लायर्स ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हमने सोचा कि आपकी कंपनी हमारे कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत पुराना रिश्ता है, तो आपको एक मौका देना चाहिए, तो आप सोच लीजिए। और हाँ, अगर आप भूल रहे तो आपको एक बात याद दिला दूं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आज भी आपकी कंपनी को, हमारी कंपनी को, एक महीने का माल सप्लाई करना बाकी है, तो वो तो आपको पहुँचाना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये मामला हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं माल भिजवाता हूँ। अरे देवा, माफ कर दीजिए उसे। अरे नहीं नहीं अनुप्रिया, हम भी तो यही कहना चाहते थे, लेकिन ये लोग हमारी बात समझ ही नहीं रहे थे। तुमने बिल्कुल सही बोला, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हमारे अनुप्रिया के बगैर ये कारोबार खड़ा ही नहीं हो सकता। ये आखिरी मौका होगा जब मैं मोक्ष को कल्याणी से छीन सकती हूँ। मैं अच्छे से जानू सू, ये औरत कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। ये औरत कुछ गुंडे मवाड़ियों के साथ कुछ तो षड्यंत्र रचा रही है। अच्छा सुनो, जरूरी खबर तो ये है कि माई नल एम्पोरियम जाने वाली है किसी काम से, तो ध्यान रखना, जो करना है करो, पर वो वहां से जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए, क्या समझे? जल्दी लेके चलो ड्राइवर। यस मैडम।
जाने चुड़ैल चाची माई के खिलाफ के जाल बिछारी से मनने लग रहा है कि गुंडों के साथ मिलके माई को अगवा करने की कोशिश कर रही है। अरे माई आप क्या हुआ शेरा, डरे डरे से लग रहे हो? अब डरावा था जी, अब ठीक है सब। मैंने लग रहा था कि चुड़ैल चाची ने आपके खिलाफ कोई वो नल शोरूम के गोदाम में षड्यंत्र रचा से। अब आप यहाँ पे हो तो कोई डरने की बात ना है, कोई दिक्कत ना है जी। अभी मैं तो ठीक हूँ शेरा, लेकिन कल्याणी फैक्ट्री के काम से गोदाम गई है। कल्याणी जी? हाँ। नल शोरूम के गोदाउन में? हाँ। अरे बाबा जी, कल्याणी जी कुछ होने नहीं दूंगा मैं आपने, कुछ नहीं होने दूंगा कल्याणी जी। क्या हो गया कल्याणी जी उठो ना कल्याणी जी क्या हो गया आपको कल्याणी जी, क्या हो गया कल्याणी जी, आके खोल दो कल्याणी जी। कल्याण जी क्या कर रहे हो आप मन छोड़ के ना जा सको कल्याण जी। हमारे जीवन में बहुत लोग छोड़ के गए, आप मैं जानो अपने प्यार करो उसको कल्याण जी, आपके बिना ना जी पाऊंगा। क्या हो गया आपको कल्याण जी, आके खोलो कल्याण जी, भगवान के लिए खोलो कल्याण जी। कल्याण जी क्या कर रहे हो आप, आके खोलो, आप बहुत प्यार करो उसको आपको, आपके बिना ना जी सकूंगा। देखो कल्याण जी, भगवान की सौगंध है, आपने आके खोल दो। हेलो टॉमी, शेरा है क्या उधर? अब भी कोई बात सुनाना बाकी रह गया क्या? अरे उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया आपके लिए। और आपने क्या किया? आपने 2 सेकंड में उसे खुद से दूर कर दिया। कितनी बार समझाया मैंने शेरा भाई को कि बोल दो कल्याणी जी ने अपने दिल की बात, पर ना, कहते थे कि कल्याणी जी अब भी मल्हार से प्यार करती है। और मैं अपने दिल की बात बोल के उनके रिश्ते को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। और आपने क्या किया कल्याणी जी? धक्के मार के बाहर कर दिया, चला गया हमेशा के लिए। आपने कुछ सुना तो नहीं ना? और डर गया था ना जी, डर के हमारे कुछ भी निकल जावे है मुझे। अरे टॉमी अंकल ने क्या बोला, उन्हें पता है ना कि हीरो शेरा किधर है? वो टॉमी अंकल ने कहा कि शेरा हीरो जो है वो भी बाहर गए, पर जब वापस आएंगे ना तो वो तेरी बात करवा देंगे। तो ठीक है, मैं ना ये फोन अपने पास ही रखूंगा, और जब तक हीरो शेरा का कॉल नहीं आता ना, मैं ये फोन किसी को भी नहीं दूंगा। और हीरो शेरा से बात करने के बाद मैं उसको घर आने के लिए मना लूंगा। ऐसे कमजोर मत होना कल्याणी, कोदा ने मुझे सब बताया। आई अब मैं क्या करूं आई? आई मुझे खुद के बेटे से झूठ बोलना पड़ा कि मुझ शेरा उसे बहुत जल्द कॉल करेगा। समझ सकती हूँ कल्याणी, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं और क्या ही समझाऊं। कल्याणी देखो,
तुम अपनी जगह सही थी। मोक्ष तो बच्चा है, वो शेरा पर दिल लगा बैठा है। वो अपनी जगह सही है और शेरा का तुमसे प्यार करना, शायद शेरा अपनी जगह सही है कल्याणी, लेकिन मैं तुम्हें दिलासा कैसे दूं मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस एक वादा कर सकती हूँ, हम सार्थक को कभी जीतने नहीं देंगे। मोक्ष तुम्हारा बेटा है और मैं तुम्हें उससे अलग कभी नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। आपने फिर से हमें एक मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौका भी दिया ही गया है। आपकी बहू अनुप्रिया ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, बस उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बहू अनुप्रिया आपको शिकायत का मौका ही नहीं देगी। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आज की मीटिंग के ऊपर। मान लीजिए अनुप्रिया जी के ऊपर ही आपकी कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। वैसे मेरी आई ना बहुत ही स्मार्ट है, पाई पाई का हिसाब रखने वालों में से है वो, तो अकाउंट्स में तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। मुझे लगा था साड़ी पहनकर बहन जी दिन की मीटिंग में जाएगी, लेकिन ये तो पूरे तेवर बदल के मीटिंग में जा रही है। अगर ये मीटिंग अच्छी हुई और इसके बिजनेस को पैसे मिल गए तो सार्थक जी तो शर्त हार जाएंगे, और अगर मुझे इस घर में रहना है तो सार्थक जी का शर्त जीतना बहुत जरूरी है। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। लीजिए मेरी आई भी आ गई। बैठो। इस समय तुम्हारा हाथ है? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने मोक्ष को बड़बड़ाते हुए सुना था कि उसे शेरा से मिलना है, मैं शेरा से मिलने जाऊंगा, मैं उसे खुद ढूंढ के लाऊंगा, और फिर वो भाग गया, बस मैंने रोका नहीं। पर आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने उसके पीछे अपने गुंडे लगा दिए और मैंने उन्हें कहकर भेजा है कि मोक्ष जब घर से थोड़ा सा दूर जाए ना तो उसे किडनैप करके ले जाए। इसमें अपना ही फायदा है। सोचिए, जब मेरे गुंडे मोक्ष को किडनैप करेंगे तो आप जाके उसे बचा लेंगे, और आप जब उसे बचाएंगे तो मोक्ष आपकी सारी बातें मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा आपने उसकी जान बचाई है गुंडों से, फिर उसे कल्याणी से छीनना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस वेट कर रही हूँ अपने गुंडों के फोन का, वो जब मुझे फोन करेंगे तो हमें मोक्ष को रेस्क्यू करने जाना है। को छोड़, पहले मैडम जी को फोन लगा, इसको मैं संभालता हूँ। हेलो मैडम जी, मोक्ष मिल गया। ठीक है सार्थक जी, मोक्ष को घर लाने का वक्त आ गया। आप कौन हो आंटी? ये सब क्या है?
बच्चा कहाँ है? तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों रखी? क्यों पड़े थे जमीन पर? एक लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी औरत आई थी और वो हमारा ये हाल करके मोक्ष को अपने साथ ले गई। मोक्ष को साथ ले गई? अरे ऐसे कैसे? और लंबी चौड़ी औरत हट्टी कट्टी कौन हो सकती है? कल्याणी तो नहीं हो सकती। कौन हो सकता है? कल्याणी मैडम आप फिकर मत कीजिए, मैंने अपनी टीम को बोल दिया है मोक्ष को ढूंढने के लिए, मिल जाएगा वो। पर शेरा कहाँ है? पता नहीं पवार काका, मैंने टॉमी को भी फोन करके पूछा, टॉमी को भी नहीं पता कि शेरा कल रात से कहाँ है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। मैं एक बार फिर से प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ I'm sorry. मैं कितना गया कल्याणी जी, यही हूँ आपके और मोस के पास। आप चाहे मुझे जाने वास्ते कह दो, पर मैं अपने छोड़ के किस तरह जा सकूं। और आप, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। आप मेरे बच्चे को सही सलामत वापस ले आए, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। वैसे आपका नाम? भावड़ी पूछ, कोई नाम क्यों ना सोचा तूने? अनार। अनार फल कली, अनार कली, अनार कली मौशी बुलाते हैं मुझे। अच्छा जो भी है ठीक है, अच्छा है। लेकिन आपको ये किडनैपिंग की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला?